नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। राशन वितरण में घोटाला, घपला और अनियमितता से संबंधित जो उथल पुथल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो जो विधायक विभा देवी, नवादा विधायक की बात कर रहे हैं, ने सवाल उठाया था और जिस पर संदेह जताया जा रहा था, अब जब धीरे धीरे जब मसला जांच की ओर बढ़ रहा है तो यह बात पुख्ता होने लगा है कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ियां है, और गड़बड़ियां है तो कोई छोटा मोटा स्तर पे नहीं है, बड़े पैमाने पे है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज हमें दो पत्र हाथ लगा, किसी ने भेजा, और दोनों पत्र जो है वह कहीं न कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि मामले की जब जांच शुरू हुई है तो अनियमितता की जो परत दर परत है वो उखड़नी शुरू हो गई है। तो पत्र है क्या? हमें लगा कि लगातार चूंकि नवादा लाइव के हम अपने व्यूअरों को इस प्रसंग से जुड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं, तो हमें लगा कि इस खबर को भी सामने ले आना चाहिए। तो दो लेटर ऐसा एक सरकारी महकमा के द्वारा ही जारी हुआ है जो कि अब बता रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां चल रही थी। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं दोस्तों, हम विषय वस्तु पे आते हैं कि वो पत्र है क्या और कहां से निर्गत है वो पत्र। तो दोनों पत्र निर्गत है राज्य खाद्य निगम, स्टेट फूड कारपोरेशन के जो जिला प्रबंधक है नवादा के, उनके द्वारा निर्गत है दोनों पत्र। 1 मार्च की तिथि में वो पत्र निर्गत है। तो दोनों पत्र है क्या ये हम आपको बता देते हैं। एक पत्र तो है लेटर नंबर 322 दिनांक 1/3/2023। यह पत्र जो है निर्गत है तैयार एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिलर अकबरपुर, राज्य खाद्य निगम नवादा। तो इन मिलर साहब को जो भी संचालक हैं, इनको जो पैक्सों से जो धान खरीद होती है या सहकारी सोसाइटियों से जो धान खरीद होती है उसको चावल तैयार करके राज्य खाद्य निगम को भेजना होता है। इन पर गंभीर आरोप लगा है, इन्हें एक तरह से नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में यह कहा गया है कि आपके द्वारा गुणवत्ता पूर्ण मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त चावल तैयार कर नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक लेटर का मोटा मोटी सारांश यही है। इन्हें जो भी संचालक हैं राइस मिल के, उनको 3 दिनों की मोहलत दी गई है, मतलब कि 1 तारीख को लेटर जारी हुआ, आज 2 तारीख बीत गया, कल तक इनको जवाब देना है कि किस परिस्थिति में आप गुणवत्ता युक्त चावल नहीं दे रहे हैं, मानक के अनुसार चावल नहीं दे रहे हैं, आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। एक तो एक लेटर यह हुआ। दूसरा लेटर इसी से जुड़ा हुआ है और वो लेटर है लेटर नंबर 320। यह भी आपको राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक जो है उनके द्वारा जारी किया गया है। यह अभी 1 मार्च 2023 की तिथि में जारी है। यह लेटर किसी मिलर को जारी नहीं हुआ है, किसी डीलर को जारी नहीं हुआ है, अपने ही 2 मातहत कर्मियों को जारी किया गया है। किनको किनको जारी किया गया है? तो कोई केशव कुमार हैं, सहायक प्रबंधक सीएमआर। सीएमआर का मतलब हुआ जो चावल वो लॉट में आता है उसको कहा जाता है सीएमआर। दूसरे हैं राघवेंद्र कुमार, ये हैं गुणवत्ता नियंत्रक सीएमआर, राज्य खाद्य निगम गोदाम नवादा। मतलब कि इनका काम है कि गुणवत्ता की जांच परख करना और उसके बाद ही उसको गोदाम में एंट्री दिलाना। अब इन दोनों पर क्या आरोप है? इन दोनों पर आरोप लगा है कि आप दोनों को जिम्मा दिया गया था कि मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त चावल प्राप्त करना है मिलर के माध्यम से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जबकि आपको गुणवत्ता मापने का जो यंत्र है उससे संबंधित कीट और अन्य
उपस्कर उपलब्ध कराया गया था, फिर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब ये दोनों लेटर तो आपका सारांश आपने समझ लिया कि एक मिलर को पूछा गया कि आप गुणवत्तापूर्ण चावल क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं, दूसरा अपने ही कर्मियों को पूछा गया है जिन पर गुणवत्ता मापने जांचने और उसके बाद गोदाम में एंट्री की जवाबदेही है, उनसे सवाल किया गया कि आपने गुणवत्ता जांचा क्यों नहीं। घालमेल तो साफ हो गया, कहीं ना कहीं घालमेल है, और इस बात की पुष्टि हो गई दोनों लेटर से कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता युक्त चावल की आपूर्ति मिलर के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा जो भी है नहीं की जा रही है। तो बड़ा सवाल कि जिला प्रबंधक महोदय आप कहां सोए हुए थे, अन्य पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर पर नियुक्त हैं जिनका काम है धान खरीद करवाना, चावल अगर तैयार होता है तो चावल तैयार करके ससमय सीएमआर राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक पहुंचाना, तो आप कहां सोए हुए थे। साफ है कि कहीं ना कहीं घालमेल था, सब कुछ पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन नवादा विधायक विभा देवी के द्वारा जब आंदोलन किया गया, धरना पर बैठा गया और सवाल खड़ा किया गया, उस पर जांच शुरू हुई तो आपको जैसा कि जानकारी है कि इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि फकरी वर्मा के गोदाम में डीडीसी साहब जो जांच टीम के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके नेतृत्व में टीम गठित है, उन्होंने छापेमारी किया था तो गोदाम में बकरी बंधा हुआ मिला, चावल पूरी तरह काला मतलब गुणवत्ता युक्त चावल नहीं था। तो इसके बाद कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि डीडीसी की जांच के बाद इस मामले में जो विधायक का आरोप था वो सत्य प्रतीत होता दिखा, उसके बाद लगता है जवाब तलब किया गया तो एक दूसरे पर फेंकने के लिए मिलर और अपने कनीय अधिकारियों से डीएमएसएफसी के द्वारा सवाल जवाब किया गया है। तो ले देकर इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम देना चाहते हैं, कारण कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और आने वाले वीडियो में अगले वीडियो में हम कुछ और इसका खुलासा करेंगे, लेकिन इस दो लेटर ने इस बात को साबित कर दिया है कि धान क्रय चावल उसका मिलिंग और उसके बाद ये राज्य खाद्य निगम के गोदाम में पहुंचना, एक बार जान लीजिए राज्य खाद्य निगम गोदाम से ही चावल आपको प्रखंड लेवल के स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम तक पहुंचता है। तो इसका मतलब एक घालमेल है, बड़ा घालमेल है, और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़ी बड़े मछलियों की गर्दन फंसेगी, बहुत कुछ साफ रूप से सामने आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम और बहुत सारा अंदर जाने का प्रयास करेंगे और बहुत सारा चीज़ हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। एक अपील कि अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और एक कमिटमेंट भी कर देते हैं कि आने वाले वीडियो में इससे भी और ज़्यादा कुछ हम लेकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि जांच शुरू होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, डीलर संघ की अलग बैठक हो रही है, पता चल रहा है कि राज्य स्तर से पदाधिकारी जो संगठन के संघ के उनके हैं वो आने वाले हैं, इसके अलावा और सारा बहुत कुछ गतिविधियां चल रही है, ये दो लेटर तो जारी हुआ ही है, आने वाले दिनों में डीडीसी साहब का रिपोर्ट भी आना है, तो क्या कुछ गुल खिल रहा है अंदरूनी वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए नए वीडियो का, नमस्कार।